नमस्कार, बड़ी खबर आप देख रहे हैं फीफा फूस चैनल पर। मिल रही जानकारी के अनुसार जो सूत्र हमारे बता रहे हैं सीधे एनसीबी दफ्तर से, बॉलीवुड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह के घर पर एनसीबी ने छापेमारी कर दी है। जी हां, एनसीबी पिछले आधे घंटे से रकुल प्रीत सिंह के घर पर पहुंच चुकी है और अपने तरीके से जांच पड़ताल कर रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीते बुधवार के दिन ही सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा कपूर और दीपिका पादुकोण के घर एनसीबी ने समन भेजा। बाकी सारी एक्ट्रेसेस ने ये कबूला कि एनसीबी का समन उन्हें मिल गया है, लेकिन रकुल प्रीत सिंह की टीम की तरफ से जो बयान आया उससे ये मालूम पड़ा कि भाई ना ही मुंबई वाले और ना ही हैदराबाद वाले, दोनों ही घरों में रकुल प्रीत सिंह को एनसीबी का कोई समन नहीं मिला है। इसके बाद एनसीबी ने आज यानी गुरुवार की सुबह ही रकुल प्रीत सिंह को दोबारा समन भेजा और वापस से दोबारा वो बहाना न मार ले इसलिए एनसीबी ने रकुल प्रीत सिंह के घर पे छापेमारी है। जी हाँ, डिप्टी डायरेक्टर है केपी मल्होत्रा जिन्होंने ये कहा है कि रकुल प्रीत सिंह बहाने मार रही है, शायद वो एनसीबी की पूछताछ से डर रही है, उसे समय चाहिए कि एनसीबी के पास आने से पहले ही कुछ इस तरह की चीजें वकीलों द्वारा कर दी जाए कि एनसीबी दफ्तर में जाने की नौबत ही नहीं आए। लेकिन जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, रकुल प्रीत सिंह के घर इस समय एनसीबी की छापेमारी इस वजह से हुई है कि मौके पर जाकर के कुछ चीजें बरामद की जाए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, रकुल प्रीत सिंह के लैपटॉप, उनका मोबाइल और ड्रग से रिलेटेड संबंधित जो भी चीजें हैं उन सारी चीजों पर छापेमारी की जाएगी। सिर्फ उनका घर ही नहीं बल्कि आसपास का परिसर, पड़ोसियों से भी बातचीत एनसीबी करेगी। क्या कुछ सामने निकल कर आता है ये हम आपको जरूर अपने अपने अगले वीडियो में बता देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर वो ये भी है कि अब कल रकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान और दीपिका पादुकोण, ये तीनों ही अभिनेत्री एनसीबी के सामने होगी, जहां पर होगी बहुत बड़े लेवल पर पूछताछ। दोस्तों, आप बने रहे हमारे साथ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए।